हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज दादरा एंड नगर हवेली की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है DMHS दादरा एंड नगर हवेली रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 99 प्रोफेसर, सीनियर रेसिडेंट और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 70,000 रुपये से लेकर 2,25,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका दादर एंड नगर हवेली ही रहेगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो प्रोफेसर के लिए 14 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 16 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर USTC के लिए 1 वैकेंसी है, ट्यूटर के लिए 16 वैकेंसी है, सीनियर रेसिडेंट के लिए 15 वैकेंसी है, हेल्थ एडुकेटर के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं फिजिशियन, पेड्रिशियन, गायनकोलॉजिस्ट और एनेस्थेसिस्ट की, तो इसके लिए एक एक वैकेंसी है, जबकि जनरल सर्जन के लिए 3 वैकेंसी है। वहीं अगर बात की जाए ऑर्थोपेडिक सर्जन, पैथोलॉजिस्ट की, तो इसके लिए एक एक वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर MBBS के लिए 9 वैकेंसी है, जबकि मैनेजर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 वैकेंसी है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा, MBBS, MBS, MD, MS या फिर DNB कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिजिशियन, पेड्रिशियन, गायनकोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और पैथोलॉजिस्ट के लिए आपका डिप्लोमा, MD, MS या फिर DNB क्यों ना आवश्यक है। वहीं मेडिकल ऑफिसर MBBS के लिए आपका MBBS क्यों होना जरूरी है, जबकि मैनेजर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका MBS क्यों होना आवश्यक है। वहीं अगर बाकी पोस्ट की बात करें तो इसके लिए एज पर नॉर्म्स ही रखी गई है। इसकी डिटेल्स आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर पाओगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो फिजिशियन, पेडिशियन, गायनकोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और पैथोलॉजिस्ट के लिए आपकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं मेडिकल ऑफिसर के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। मैनेजर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए एज पर नॉर्म्स ही रखी गई है, इसे आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। और ये सभी 11 अगस्त 2023 से पहले तक होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। वहीं सेलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 28 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।